मगर एक ऑप्शन तो और बढ़ा लो कि हो सकता है कि कोई एलियन इंटरफेरेंस जमीन पे हुई हो, हो सकता है कि किसी ने इंसान को जमीन पर कास्ट किया, हो सकता है कि किसी ने जमीन पर इंसान के जीन को प्रोग्रेस दी हो, हो सकता है कि किसी ने मराहल से बदतरी जन मुकम्मल करते हुए एक इंसान मुकम्मल की बुनियाद रखी हो। खादिम आलियात उसने कहा, देयर कुड बी एन ऑप्शन बट वी आर नॉट वेरी श्योर, वी आर नॉट वेरी श्योर, देयर कुड बी एन ऑप्शन बट वी आर नॉट वेरी श्योर। खादिम आलियात, ये एक बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट मजहब के खिलाफ पेश किया गया, मजहब के खिलाफ पेश किया गया और कहा गया कि मजहब के नुक्ता नजर से तो इंसान गिराया गया है, गिराया गया है जमीन पर। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल दैट होमो सेपियन सेपियन शुड बी ए मैन ऑफ गॉड? खुदा ने तो नहीं उतारा, वो तो एक बायोलॉजिकल प्रोग्रेशन के जरिए, वो तो नियांडरथल के जरिए, इरेक्टस हबैलस नियांडरथल, ये सारा चलता चलता इंसान जो आज है वो एक बायोलॉजिकल प्रोग्रेस है, इसका खुदा से कोई वास्ता नहीं। मगर हैरानी की बात है खातिम आजाद, किसी ने रसल से एक दफा पूछा था जब वो क्रिश्चियनिटी पे बड़े जबरदस्त एतराज कर रहा था, तो उस उससे पूछा गया था कि हैव यू रेड द कुरान? तो उसने कहा, व्हाई शुड आई, ऑल गॉस्पल ट्रूथ इज अलाइक, कि क्यों पढ़ू, कुरान भी तो बाकी इलाही किताबों की तरह है, मैं क्यों पढ़ू? खातिम आजाद इतना बड़ा फिलोसफर और इतनी बड़ी इल्मी मुनाफिकत पहले कभी नहीं देखी हुई। ही हैज नॉट रेड अ बुक, ही डजंट बिलीव इन रीडिंग दैट बुक। और क्या ये रहा है कि ऑल गॉस्पल ट्रूथ इज अलाइक, कुरान इज नॉट लाइक बाइबल, कुरान इज नॉट लाइक तालमूद, कुरान इज नॉट लाइक दिस। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब हम खुदा के हक में एक दलील देने लगते हैं तो खुदा से पूछते हैं कि अगर हम तेरा सबूत चाहें तो कहां से चाहें? तो वो ये कहता है कि जो किताबें मेरे नाम से मंसूब है, वो मेरा कलाम था, लोगों तक पैगंबरों के जरिए पहुंचाया गया, मगर मैं उनकी अब तस्दीक नहीं करता। क्यों नहीं करता? अल्लाह ने दो इल्जाम लगाए हैं उन लोगों पर जिन्होंने उनकी किताबों से डील किया है। वो कहता है, सुम्मा युहर्रफूनहू मिन बादे मा अकलूहू वहुम यालमून, कि अच्छा जानने बूझने के बावजूद इन्होंने मेरी आयत में तहरीफ की। अब मैं इस आयत को कैसे ओन कर सकता हूं जिसके मतालब बदल दिए, जिसकी अगराज बदल दी, जिसको इन्होंने उमरा के लिए बेच दिया। दूसरा इल्जाम है, इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब लियश्तरून बिही समनन कलीला, कि इन्होंने मेरी किताब के मानी हुरूफ थोड़े थोड़े माल के लिए बेच दिए। वाला सेज, नो, आई कांट टेक द रिस्क ऑफ ह्यूमन प्रोटेक्शन एनी मोर। सदियों से गुजरते हुए इस काफिला इंसान को हिदायत आखिरी नसीब हो गई है, अब मैं रिस्क नहीं ले सकता, अब मैं बार बार पैगंबर नहीं दे सकता, मैसेज खत्म कर दी, मैं सिर्फ एक किताब का जिम्मा लेता हूं और वो किताब कुरान है। मुझे मेरा इनकार करना है इससे करो, मेरा इकरार करना है इससे करो, मुझ पे इतराज करना है कुरान से करो, मेरी तस्दीक करनी है तो कुरान से करो। क्यों? नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये वो किताब है जिसे मैंने नाजिल किया है और मैं कयामत तक अबद तक इसकी हिफाजत करूं। खातिम आज़ाद, इसलिए आज के दौर में चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो कॉस्मोलॉजी हो,
अगर हमने कुरानिक रेफरेंस लेनी है, हमने अगर रेफरेंस लेनी है तो फिर हम कुरान से रेफरेंस लेंगे, हुज राइट हुज रॉन्ग हुज ट्रू हुज अनट्रू, हमें कुरान की तरफ जाना पड़ेगा कि कुरान क्या कहता है। माफ कीजिएगा, यहां फिर एक जुमला है मोतरिजा, मैं माफी चाहता हूं जनाब साजिद साहब से कि फिर कुरान का मुतालिया उसी तरह किया जाएगा जिस लेवल पे साइंटिस्ट फिलोसोफर और बड़े बड़े मुदब्बरीन वक्त जो हैं उन आयात पर गौर व फिक्र से और इंतहाई मशक्कत से सोच के फिर फैसला करेंगे कि कुरान की ये आयत और साइंसदानों के उन नताइज में क्या फर्क है। खाजुन हजरात, एक मेजर फर्क आपको पता, साइंसेस हैव बीन रॉन्ग थ्रू द टाइम, साइंसेस हैव नॉट बीन राइट, टॉलेमी वॉज नॉट राइट, Copernicus was not right, Galileo was telling the half truth. उस वक्त कुरान क्या कह रहा था, देखना यह है कि उस वक्त कुरान क्या कह रहा था जब ये साइंसदान कॉस्मोलॉजिस्ट ये स्टेटमेंट दे रहे थे या बायोलॉजियन ये स्टेटमेंट दे रहे थे, कुरान क्या कह रहा था। ये मैं आपको सिर्फ बायोलॉजी के जिम्न में अल्लाह ताला की कुछ आयात में सुना दो। ये जो पहला मैंने नतीजा सुनाया जो डॉक्टर स्मिथ ने और डॉक्टर आयात में सुना दो ये जो पहला मैंने नतीजा सुनाया जो डॉक्टर स्मिथ ने और डॉक्टर करेन आर्मस्ट्रांग ने कहा, ये याद रखिएगा जो मैंने कहा। डॉक्टर स्मिथ ने कहा कि द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग अबाउट ह्यूमन स्पीशीज इज के पहला इंसान खुदा परस्त था, खुदा परस्त था पहला इंसान। अब देखिए कुरान क्या कहता है, जरा कान अन्नासो वमा कान अन्नासो इल्ला उम्मतम वाहिदतन फख्तलफु, शुरू में सब लोग मुझ पे यकीन रखते थे, एक उम्मत थे, मेरे ही बंदे थे, फख्तलफु फिर उन्होंने इख्तलाफ किया। कान अन्नासो उम्मतम वाहिदा, शुरू में सब इंसान एक नस्ल एक ईमान एक दीन पे कायम थे, फिर इसके बाद मैंने उन्हें खुला छोड़ दिया, आजाद किया चुनाव के लिए। मगर ये क्या हुआ, खुदा से पूछा जाए कि परवरदिगार आलम आपने क्या, ये जो बायोलॉजियंस का दावा है ये तो कुछ और कहता है। ये याद रखिएगा कि बायोलॉजियंस का दावा आज है और कुरान 1500 बरस पहले किसी भी जेनेटिक और नस्ली डिस्कशन के बगैर, किसी भी उस किस्म की तहकीक के बगैर एक बड़ी अजीब सी बात करता है कि मैंने हजरत इंसान को जमीन से उगाया, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज नबाता, मैंने इंसान को जमीन से उगाया। यानी उसने ये नहीं कहा कि मैंने वो, अभी दूसरी बात पे हम दूसरी तरफ जाएंगे, व्हाट हैपेंड व्हाट इज दिस ड्रामा, कि एक तरफ वो कहता है कि मैंने इंसान को वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज नबाता, मैंने जमीन से इंसान को इसी तरह उगाया बाकी जैसे चीजों का, जैसे नबातात को उगाता हूं, जैसे बाकी चीजों को उगाता हूं, उसी तरह मैंने इंसान को जमीन से परवान दिया, बढ़ाया चलाया। देन व्हाट हैपेंड, इससे भी पीछे जाता अल्लाह, जहां तक अभी कोई साइंस नहीं गई वहां तक अल्लाह जाता है, पहले जीन तक जाता है, इंसान के पहले जीन तक जाता है। हल आता अलल इंसाने हीन मिन दहर लम यकुन शय मस्कुरा, बिलाशुबा इंसान जमाने में बहुत अरसा ऐसे रहा कि कोई काबिल जिक्र शय ना था। खादिम आजाद, कुरान की दूसरी आयत एक्सप्लेन करती है कि यह पहली हालत क्या थी, फरमा इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, कि मैंने फिर इंसान को दोहरे नुतफे से पैदा करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेट जिसका अल्लाह जिक्र करता है कि नाकाबले जिक्र शाय था, वो सिंगल सेल की स्टेट थी।
تو اگر قرآن کی ان آیات کو ہم ملائیں اور ایک سائنٹیفک ویو سے پڑھیں تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہیومنز آئی بروٹ یو آؤٹ آف اے سنگل سیل جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اہمیت نہیں تھی, جس کی کوئی شناخت نہیں تھی, جس کا کوئی ذکر نہیں تھا کہیں کتابوں میں. ہم نے اس حالت سے آپ کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد ہم نے دوبارہ تخلیق ڈبل سیلولر کی شروع کر دی, ہم نے نطفہ مخلوط کر دیا. مگر یہاں بات کہاں ختم ہوئی, ابھی تو جنگلی اور وحشی انسان ہم دیکھتے ہیں. فرمایا لینا تلی ہے, چاہا کہ اس نسل کو آگے بڑھائیں, دیکھیں کیا ہمارے مقاصد کو پورا کرتا ہے. لے نب تلی ہے فجالنا سمیع بصیرا, پھر ہم نے اس انسان کو سماعت کا سسٹم دیا. سماعت سسٹم ڈیولپ کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہم نے اس کو بصارت کا سسٹم دیا. اس کے بعد کیا ہوا, ابھی انسان اس قابل نہیں تھا کہ اسے کوئی ٹاسک دیا جاتا, کوئی مقصد حیات دیا جاتا. تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا, اب ہم نے اس کو عقل دی, شعور دیا, معرفت دی, ہدایت بخشی اور ایک کام دیا. ایک کام, چاہو تو مجھے مانو, چاہو تو میرا انکار کر دو. اما شاکر و اما کفورا, چاہو تو مانو, چاہو تو میرا انکار کر دو. خادم حضرات, یہاں ہمیں ایک دوسرے قرآنک ڈرامیٹک ایفیکٹ سے واسطہ پڑتا. ہمیں پتہ ہے آدم تھے, ہمیں پتہ ہے کہ زمین پر بھی انسان بڑھ رہا ہے اللہ کے قول کے مطابق, آسمان سے بھی کوئی اتر رہا ہے. تو وٹ از دس پرابلم, کیا انسان کے کو دونوں آیات میں کو اللہ کی دونوں آیات میں کوئی فرق آ گیا ہے؟ خاتم حضرات, ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ ذرا غور کیجئے, اللہ نے چاہا کالا انی جائلن فی الارض خلیفہ, میں چاہتا ہوں کسی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دوں, میں نے بڑے روبوٹ کریٹ کیے, جن بھی روبو, ملک بھی روبو, ادھر ادھر میں نے اتنے سارے روبوٹس کریٹ کیے, بڑے بڑے نرالے, نفیس, خوبصورت, مگر اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا روبو تخلیق کروں جو سوچے سمجھے, جو فیصلہ کرے, کیونکہ میں نے اس سے یہ مقصد حاصل کرنا ہے. اما ہدینا السبیل اما شاکر اما کفورا, میری نیت یہ ہے کہ میں ایسا ایک بناؤں مخلوق جیسے بہت ساری, اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے دوں, ڈیسیشن میکنگ دے دوں. آج کا سائنسدان نہیں چاہتا, اس کو فکر ہے. آج اگر وہ اپنے روبو کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے دے, خاتون حضرات فرض کرو اس نے کہا کہ ہر بےمان کو ایک آپ موت کی سزا دو, تو اس نے ہاتھ مار کے مالک کو ہی ختم کر دینا. وہ بیچارہ تو مجبور ہے, جو ڈکٹیشن اسے ملی ہوئی ہے اس نے تو اسی پہ عمل کرنا. مگر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ابھی آپ دیکھو بے شمار انگریزی فلمیں اسی موضوع پہ, ایلینز آ رہے ہیں, ایلینز جا رہے ہیں, آپ کا وہ کوئی روبوز آ رہے ہیں, روبو بڑے ہو گئے ہیں, وہ خطرناک ہو گئے ہیں, وہ خوفناک ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مل گئی. خادم حضرات, خداوند کریم نہیں اس خوف میں مبتلا تھا, اس نے چاہا کہ میں ایک مخلوق کو نرالا کر دوں, بڑا کر دوں, بہتر کر دوں. میں زمین سے آگے نکلتے ہوئے جو میں اپنے کائنات تخلیق کر رہا ہوں, اس کے لیے میں ایک وائس ریجنٹ مقرر کر دوں, اس کی نظر انسان پہ پڑی. کہا اے نسل انسان, میں تمہیں زمین سے اگاؤں گا, مگر یہ جو زمین پہ اگتا ہوا نسل تھا خادم حضرات, یہ تو 600 ملی لیٹر کا تھا, آگے بڑھا تو 1100 ملی لیٹر کا تھا. انسان کے بچے کی مقدار بھی 2000 ملی لیٹر ہے ذہن کی, یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو پھر ہمیں کوئی چیز ڈھونڈنی ہے, کوئی کلو گم ہو گیا ہے, سائنس سے گم ہو گیا ہے, ہمارے مذہبی دانشوروں سے بھی گم ہو گیا کہ آخر کیا واقعہ پیش ہو. خاتم حضرات, آج بھی وہی واقعہ پیش آتا ہے, بدن زمین پہ بنتا ہے, روح آسمان سے اترتی. حدیث ہے, قانون ہے اللہ کا, 3 ماہ کے بعد آسمانوں سے
बच्चे में रूप रखती है, पहले एक मादी वजूद होता है, होमो हबाइले सॉरी रेक्ट होता है, नॉर्मल होमोसेपियन नहीं होता, मगर जब रूप बढ़ती है तो वो होमोसेपियन हो जाता। पहले भी यही हुआ कि आसमानों पर एक वजूद रूह तखलीक हुआ, उसका नाम अल्लाह ने आदम रखा, मगर आसमानों से उतरे हुए आदम को जगह कहां से मिलती। कहते हैं जिन जो हैं या फैंसी मखलूक जो हैं, जब ये इनको प्रोक्रिएशन करनी होती है तो इनको वजूद चाहिए होता है, क्योंकि हवाएं हवाओं से मिलके तो प्रोक्रिएशन नहीं कर सकती, तो सो ये वजूद ढूंढते। तो ये तमाम आतिशी जिसे मखलूक कहते हैं, कभी छपकलियों में, कभी किसी बिच्छू में, कभी किसी सांप की सूरत में ढल आते हैं, और ये प्रोक्रिएटिव प्रोसेस से गुजरते हैं और ये अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, अंडे देते हैं। खादिम हजरात, अल्लाह ताला ने जब ऐलान किया तो फरिश्तों ने एक एक इतराज नहीं किया, दे वर सीइंग समथिंग ऑन अर्थ, उन्होंने एक वजाहत चाही अल्लाह से, कालुआ तजालोफिया मन से दोफिया वयस्व कुमा वनहनो नु सभ्यो बे हम देखा वो नुकदलाक। हे अल्लाह, ये तो हम इंसान देखे हैं, काला इन्नी जायलो लेना जायलो का फिलहाल खलीफा, ये जिसे हम खलीफा देख रहे हैं, ये जो पीछे से चला आता है, जिसको तूने जमीन से उगाया है, ये तो बर्बादी का मजा है, ये तो दरिंदगी का मजा रखत, ये तो वासी है, जंगली है, खूनखार है। आप क्या चाहोगे इस इंसान को खिलाफत अर्जी देना। फरमाया काला इन्नी आलमु माला तालमून, मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते।